नमस्कार, मैं कृति गिरी और आप देख रहे हैं AHN न्यूज। मेरठ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोहियावाई ने जनपद मेरठ में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन समाप्त करने तथा पैड व्यापारियों के द्वारा लगाए जाने के संबंध में जिला अधिकारी मेरठ को ज्ञापन दिया, जहां लोहियावाई ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि जनपद मेरठ में बाजारों को रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए और शनिवार रविवार को लॉकडाउन पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए और बाजारों को पहले की तरह खोला जाए। दूसरी ओर पैट व्यापारियों की पैट लगने की प्रसभा अधिकारियों ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि गरीब व्यापारियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, यदि इनकी पैटनी नहीं लगाई गई तो इनके बच्चे सड़कों पर आ जाएंगे और जनपद में अपराध का स्तर भी बढ़ने की आशंकाएं हैं, ये लोग लूट कर चोर को मजबूत हो जाएंगे। प्रसभा ने पैट लगाने की मांग पर जोर दिया और कहा कि गरीब व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार समाप्त किया जाए। मेरठ से मनीष सिंह की खास रिपोर्ट। मैं प्रदीप सिंगल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अमेठी। वैश्विक महामारी की मार देश झेल रहा है, देश के आवाओं का अन्नदाता किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, धान की फसल भी नष्ट होने जा रही है, जिसके कि देश भर में खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है। उसी के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कल किसान के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे जिले में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे, नगर स्तर पे और जहाँ जहाँ खाद के बिक्री केंद्र हैं वहाँ पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उनको खाद न मिलने की, खाद की कमी को के लिए सरकार को घेरेगी और खाद को पूरी तरह से किसानों को उपलब्ध कराए, ये सरकार का दायित्व है। बड़े बड़े वादे सरकार ने किए थे कि बहुत खाद किसानों को मिल रही है, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि एक एक स्तर पर कम से कम 50-50 लोगों की भीड़ लग रही, फिर भी उनको खाद नहीं मिल रही। जय हिंद, जय भारत, जय गौ।